ओके बेटा, तो हम यहाँ पे थे। हाँ तो अब हम आगे चलते हैं और आज से बात करेंगे किसकी, रेडिएशन। रेडिएशंस में वैसे होता क्या है बेटे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो कन्वेक्शन उतना ही है बस, और कुछ। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, हमें ये पता है कि भाई क्या है, एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती हैं, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, है ना। तो होता क्या है कि कोई भी बॉडी आप कंसिडर कर लो, वो आयंस से ही तो मिलके बनी हुई होती है, और वो आयंस बाई वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर दे हैव सर्टेन थर्मल एनर्जी, उनके पास कुछ थर्मल एनर्जी होती है, और वो थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और इनके वाइब्रेट करने की वजह से, ऑसिलेट करने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं, है ना। तो क्या होता है, ऑल सर्फेसेस एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन जीरो केल्विन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज तो 1850 में हुई, लेकिन क्या था, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है, ये लोगों को काफी पहले से ही पता था। उस समय पे लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम ना दे करके क्या नाम देते थे, हीट रेडिएशंस नाम देते थे। ये पहले से कैसे पता था सर कि रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है, भाई सन से अर्थ तक एनर्जी आती है, और जाहिर सी बात है कि कोई मीडियम अर्थ और सन के बीच में तो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है। इसका मतलब कोई ऐसा भी तरीका होना चाहिए कि वैक्यूम के थ्रू भी एनर्जी फ्लो होकर के आ जाए, है ना। तो क्या होता है, ऑल सर्फेसेस एट टेम्परेचर्स ग्रेटर देन जीरो केल्विन। अब जीरो केल्विन से बड़ा तो टेम्परेचर सब सर्फेस का होता ही होता है, तो सारी सर्फेसेस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या उनको हीट रेडिएशंस भी ट्रेडिशनली नाम दिया गया था, है ना। एस द कंस्टिट्यूएंट आयंस ऑफ एनी सरफेस
आर एन स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर थर्मल एनर्जी। और ये जो थर्मल एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि क्या भाई जैसे क्या है इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि जैसे कोई बॉडी है उसकी सरफेस का कुछ टेम्परेचर है, हम कह रहे हैं सब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशंस की वजह से ये एनर्जी एमिट कर रहा है। अब ये एनर्जी मतलब कहाँ से आ रही है? उनके वाइब्रेशंस से ही एनर्जी आ रही है, तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस की एनर्जी स्लो होती जाएगी। स्लो होती जाएगी किसका मतलब क्या धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए क्या? इसका क्या ऐसा होता है क्या? आप हम हमारे रूम में रखे हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो सबके सब एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो क्या उनका टेम्परेचर कम होता जा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं ऑब्जर्व करते अपन। क्यों नहीं कम हो रहा भाई? भाई क्योंकि क्या है जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं वो भी रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, वो जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं वो इस बॉडी पे इंसिडेंट भी हो रहे होंगे, है ना? वो इस बॉडी पर इंसिडेंट भी हो रहे होंगे, उनमें से कुछ ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो क्या होता है एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना रहता है। एमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी एंड दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या होता है? दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम लीड्स टू द टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, है ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया कि देन उस थ्योरी का नाम क्या है? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ये प्रीवोस्ट थ्योरी जो है वो 1770s में ही दे दी गई है ना। उन्होंने क्या कहा? ऑल बॉडीज एमिट हीट रेडिएशंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन टेम्परेचर। सर हाँ सर, पायरोमीटर मतलब क्या? वो टेम्परेचर मेजर, हीट मेजरमेंट के काम आता बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन टेम्परेचर्स। ऑल बॉडीज एमिट हीट रेडिएशंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन टेम्परेचर्स एंड दे एब्सॉर्ब हीट at a rate which depends on temperature of surroundings and if
इफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एमिशन. एब्जॉर्प्शन का रेट अगर एमिशन के रेट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस. और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लेसर देन रेट ऑफ एमिशन देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस. क्या ये बात समझ में आती है? और अगर दोनों बराबर हुई तो क्या होगा, एंड इफ दे आर इक्वल देन टेम्परेचर रिमेन्स then temperature remains constant. अब देखो ये जो रेडिएशन कोई बॉडी एमिट करता है किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे हम हैं, मान लो कोई मैंने मान लो ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, तो ये ब्लू कलर की टी शर्ट जो आपको कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, ये क्या ये टी शर्ट उतने ब्लू लाइट के वेवलेंथ एमिट कर रही है क्या? इज इट एमिटिंग ब्लू लाइट? नो सर, ये ब्लू एमिट नहीं कर रही, ये ब्लू क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ना, ये ब्लू लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. तो एमिट कौन सा वेवलेंथ एमिट कर रहा है सर ये, और एमिशन और रिफ्लेक्शन में अंतर क्या है? What is difference between emission and reflection? क्या difference है बच्चों emission और reflection में? Emission जो होता है वो खुद की energy से body emit करता है, और reflect कहाँ से करता है, जो बाहर से उस पर एनर्जी गिरी है उसका कुछ परसेंटेज जो वापस भेज देता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना. समझ रहे हो बेटे? तो रिफ्लेक्शन से ना तो कभी एनर्जी बॉडी की बढ़ती है ना कम होती है ना, रिफ्लेक्शन से ना तो एनर्जी कम होती है ना एनर्जी बढ़ती. क्यों भाई ऐसा क्यों भाई? एब्जॉर्ब नहीं होता. हाँ मतलब वो पहले भी बॉडी के एनर्जी का पार्ट नहीं था और बाद में भी बॉडी के एनर्जी का पार्ट नहीं है ना, मतलब वो उस तरह का गिफ्ट है जो कि आपने किसी और से लिया और किसी दूसरे को आगे पास कर दिया, तो वो गिफ्ट से क्या है ना, वो पहले आपका था और बाद में आपका ना कुछ बड़ा ना कुछ घटा. ठीक है हाँ सर. वो दिवाली का वो सोन पपड़ी का डब्बा है जो कि आपने इधर से लिया और उधर किसी को दे दिया, वो क्या है, रिफ्लेक्शन. एमिशन
जो है वो आपने खुद की एनर्जी से जो रेडिएशन बाहर भेजा हुआ है, दैट इज बेसिकली एमिशन। तो एमिट करोगे तो एनर्जी कम होगी, और एब्जॉर्ब करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना, ये बात। अब देखो, जो एमिट बॉडी करता है उसमें कौन सी वेवलेंथ एमिट करता है? क्या एक ही वेवलेंथ एमिट करता है बॉडी, या बहुत सारी वेवलेंथ एमिट करता है? इसकी भी अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो हमें पता ही है। हमें ये पता है कि विबजौर जो होता है, ये तो पूरा का पूरा विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, है ना। और रेड के आगे चले जाओगे तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद माइक्रो, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स। और इस तरफ अगर आएंगे अपन वॉयलेट से कम वेवलेंथ वाले, तो अल्ट्रा वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट से कम वेवलेंथ एक्सरे, एक्सरे से कम वेवलेंथ गामा रेज, इस तरह की होती। तो ये लैम्डा वर्सेस आई लैम्डा का ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं। आई लैम्डा को बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी। आई लैम्डा बराबर होगा किसके, टी आई बाई टी लैम्डा। आई लैम्डा इज इक्वल टू डी आई बाई डी लैम्डा। सन भी एनर्जी एमिट करता है, तो उसका भी एनर्जी कम होगा क्या बेटे? सन का, सन के अंदर जो है कोर ऑफ द सन पे, जैसा अपन ने फ्यूजन में पढ़ा भी था कि कोर ऑफ द सन पे क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शंस हो रही होती है, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा होता है, तो वो फ्यूजन में बहुत एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है, एमिट कर रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर ऑफ सन जो है वो कांस्टेंट बना हुआ। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा सन के अंदर तो क्या होगा, फिर वो सिर्फ एमिट ही एमिट करेगा अपने टेम्परेचर की वजह से, तब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चालू होगा। आई लैम्डा को क्या बोलते हैं, डी आई बाई डी लैम्डा। डी आई क्या होता है, डी आई इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस having wavelength in the range of lambda to lambda plus d lambda। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर I lambda की वैल्यू का मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में कितनी इंटेंसिटी एमिट कर रही है वो हम ले लें और उसको डी लैम्डा से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आई लैम्डा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये जो ग्राफ आता है ना बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा ग्राफ। मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया गया। कोई टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया, 20 डिग्री 30 डिग्री चाहे जो भी, एक पर्टिकुलर फिक्स कर लिया और उस पे देखा कि क्या क्या रेडिएशन एमिट हो रहा है, ठीक है। सर लास्ट पेज कॉपी करना है ना? लास्ट पेज कॉपी करना है, रुको, पहले मैं इस ग्राफ में कुछ बातें तुम्हें बता दूं। एक चीज तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आनी चाहिए कि इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें,
तो वो टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हमको मिल जाएगी, है ना। एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस ग्राफ, एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया बाय अ बॉडी। मतलब उसने गामा भी एमिट किए, एक्सरे भी एमिट किए, अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो सब एमिट किया, इंफ्रारेड, माइक्रो सब एमिट किया, सबकी एनर्जी को अगर जोड़ दें तो वो इस ग्राफ के एरिया से मिल जाएगा। वो टोटल एनर्जी बॉडी कितना एमिट कर रहा है वो हमको मिल जाएगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। एमिट वो सारी वेवलेंथ कर रहा है, लेकिन कुछ रेडिएशंस ज्यादा इंटेंसिटी की एमिट करता है, कुछ कम इंटेंसिटी की एमिट करता है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो ऐसी होती है जो वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिसकी एमिट कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होती है जो कि बॉडी सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है ना बेटे, इसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी। लैम्डा एम क्या होती है? वेवलेंथ और पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी, वेवलेंथ फॉर पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये जो वेवलेंथ होती है बेटे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किस तरह से? अगर मैं इसी ग्राफ को हायर टेम्परेचर पे बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो, टी डैश इज ग्रेटर देन, ये ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है और थोड़ा ऊंचा हो जाता है। समझ रहे हैं बच्चों? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा एमिट करता, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? लो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। हम ह्यूमंस के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेटे? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग किस वेवलेंथ को ज्यादा एमिट करते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को ज्यादा एमिट करते हैं। एमिट विजिबल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी कम होती है उसकी इंटेंसिटी कि वो हम उसकी वजह से, मतलब वो हमारी आंख को देख पाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। एमिट तो अपन विजिबल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा इंफ्रारेड कर रहे हो, है ना। तो वो अंधेरे में जो गॉगल्स वो यूज करते हैं या जो कैमरा यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, वो कैसे, वो इंफ्रारेड वाला कैमरा यूज करते हैं जिसमें इंफ्रारेड सेंसर होता है। ये तुमने एनिमल प्लैनेट डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा, वही वो रात में दिखाते हैं किसी जीव जंतु को, भाई ऐसे चल रहा है, ये शेर है इधर आया,
नहीं वो तो फिर क्या करते हैं बेटे, वो तो एक तरह की मैपिंग होती है, मतलब यू कैन नॉट सी इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट, तो वो रेड रेड की वाली बात नहीं है, है ना? वो तो क्या करते हैं फिर बाद में उसको रेड वेड कलर से मैपिंग कर देते हैं जानबूझ के, भाई मतलब देखो क्या हो गया, आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक सेंसर है जो कि इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर लेता है, एक सेंसर है जो कि क्या कर लेता है, इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर लेता है। इंफ्रारेड रेस को हम नेकेड आई से देख नहीं पाते, है ना? अब जैसे मान लो कि हम किसी ऐसी जगह पे घूम रहे हैं जहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो तब भी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो एनवायरमेंट से जो रेडिएशन आ रहे होंगे वो 20 डिग्री के हिसाब से आ रहे होंगे, हमारी बॉडी से जो रेडिएशन आ रहे होंगे वो 37 डिग्री के हिसाब से आ रहे होंगे, है ना? अब आपने क्या कर रखा है कि एक इंफ्रारेड सेंसर वाला कैमरा लगा रखा है जो कि क्या करता है, ये इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट कर लेता है, तो कैमरा फिट कर रखा है कहीं पर, नॉर्मल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से कुछ रेज आ रही है, है ना, कैमरा पे गिर रही है, अचानक से कोई शेर वेर आया उधर, तो क्या है उसका टेम्परेचर ज्यादा है आसपास के टेम्परेचर से, तो वो उससे रेडिएशंस अलग वेवलेंथ की मिलेंगी अपने को, है ना, मिलेंगी वो भी लगभग इंफ्रारेड रीजन की, लेकिन सराउंडिंग के कंपैरिजन में अलग वेवलेंथ की मिलेंगी, तो हमारा कैमरा उनको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद हमें ऐसे पोर्ट्रे करेगा, हमें वो एक कलरफुल इमेज दिखा देगा, समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि उसने कलर डिटेक्ट किए, कलर नहीं डिटेक्ट किए उसने, उसने तो इंफ्रारेड रेडिएशन ही डिटेक्ट किए हैं हम तक दिखाने के लिए होगा। ये ग्राफ हर बॉडी के लिए अलग होगा, हर बॉडी के लिए अलग से क्या मतलब है आपका? हर बॉडी से अलग का मतलब क्या है? अच्छा, जैसे एक कॉपर का ऑब्जेक्ट है 20 डिग्री का और एक आयरन का है 20 डिग्री का, है ना, यही बोलना चाह रहे हो ना? कॉपर 20 डिग्री और आयरन 20 डिग्री, तो दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा क्या? हाँ अलग अलग होगा, देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस, यस। हम ये ग्राफ क्या है आप ऐसे समझ सकते हो, हम ये ग्राफ किसके लिए बता रहे हैं, एक तरीके से एक कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए अपन बता रहे, नेचर ऑफ कर्व तो सेम ही होगा, है ना? मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ग्राफ का वो तो सब है, और हम इंफ्रारेड एमिट ज्यादा करते हैं ये कैसे पता चला? ये पता चला ग्राफ बनाया, लोग ग्राफ बनाए, वेवलेंथ को डिटेक्ट किया, वेवलेंथ को डिटेक्ट किया, यस, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड ग्राफ। इस ग्राफ का नाम होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कई लोगों ने कोशिश करी, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए दे आर सेम, इंफ्रारेड कैमरा और थर्मल कैमरा सेम, थर्मल कैमरा एंड इंफ्रारेड कैमरा। तो सबसे पहले इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया रेले एंड जीन्स नाम के साइंटिस्ट,
लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला दिया नहीं, वो तो जनरल चीज है ना, ये जो नाम हमने लिखे हैं तो जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना। रेले एंड जीन्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय रेले एंड जीन्स, देयर एक्सप्लेनेशन could correctly explain the radiation curve for high wavelengths, but not for low wavelengths. मतलब उनने जो एक्सप्रेशन दिया वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का निकल कर के और ये वॉयलेट के आसपास, वॉयलेट वाले रीजन में तो ये सही था, यूवी वाले रीजन में क्या हो गया, उनके हिसाब से स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती हुई लग रही है। इसको बोलते हैं, ये जो इंटेंसिटी का इनफाइनाइट होना, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉ। द रैपिड राइज इन इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू रेले एंड जीन्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ emission spectrum is called as ultraviolet catastrophe. This was not practically, ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया, practically तो पाया गया कि भाई graph peak attain करके वापस low intensity पे आ जाता। तो उसके बाद जो है, after Rayleigh and Jeans, the black body radiation curve was correctly explained by ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व वॉज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन किया बाय अज्यूमिंग क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे, उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बाय अज्यूमिंग क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, है ना। मतलब उन्होंने ये कहा कि यार देखो, सारी फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, है ना, एक सर्टेन नंबर होता है न्यू नॉट, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस करते हैं। और ऐसा अज्यूम करके जब उन्होंने साथ में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इक्वेशन लगा है तो वो करेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफ क्या होता है बेटे? अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफ कुछ नहीं है भाई, रेले एंड जीन्स ने जो एक्सप्लेनेशन दिया ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो एक्सप्लेनेशन क्या था? इन वेवलेंथ्स के लिए तो प्रैक्टिकली ऑब्टेंड ग्राफ से मैच करता था, लेकिन जैसे जैसे रेले एंड जीन्स द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन को आप अल्ट्रावायलेट रीजन में लगाने जाते हो तो पाते हो कि इंटेंसिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, है ना? क्या ये बात समझ में आती है? Yes. अब देखिए लिखना था, हाँ ये वाला ग्राफ प्रैक्टिकली ऑब्टेंड, ये प्रैक्टिकली ऑब्टेंड रेडिएशन कर्व, और ये क्या है? रेले एंड जीन्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रेडिएशन कर्व। हाँ बच्चों, ये वाला पेज नोट कर, ये वाला पेज नोट कर रहे हो या इसके पिछले वाला कर रहे हो? हो गया सर। देखो तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो ये एक इक्वेशन से समझ में आता है हमको जिसको बोलते हैं वीन्स इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज लैम्डा एम इनटू कैपिटल टी इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन क्या बताती है? द वेवलेंथ फॉर पीक स्पेक्ट्रल डेंसिटी is inversely proportional to absolute temperature, is inversely proportional to absolute temperature, है ना? और ये जो b की value होती है बेटे, ये बराबर होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी इज अ सरफेस विच एब्सॉर्ब्स all the radiations of any wavelength incident on it.
ये बात समझ में आती है? यस सर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मान लो आपसे कहा जाए कि अज्यूमिंग सन टू बी अ ब्लैक बॉडी, predict the temperature of the surface of sun. Predict the temperature of the surface of the sun. You know? And assume lambda m for sun is at yellow light and wavelength of yellow हमें क्या दिया हुआ है 580 nanometer. क्या आया बच्चों? हम फॉर्मूला अप्लाई करें, लैम्डा एम इंटू टी इज बी, लैम्डा एम तो 580 दिया हुआ है, टेम्परेचर पता करना है पी को 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, तो इनटू 10^-2 कर देंगे तो मीटर केल्विन में आ जाएगा, मीटर से मीटर, तो फाइनली टेम्परेचर आपको केल्विन में मिल पाएगा. इसको लगभग 0.29 मान लें क्या आप?
0.29 मान लो इसको, है ना, तो ये हो जाएगा 290 इंटू 10^-3 और डेनोमिनेटर में है 580 इंटू 10^-9 तो 1/2 10^4/2 10,000/2 मतलब लगभग लगभग 5000 केल्विन का टेम्परेचर आ गया, 5000 केल्विन का टेम्परेचर। बोलिए बच्चों। सरफेस का है ये टेम्परेचर, कोर का नहीं, पूरे सन का इतना नहीं, दिस इज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। 4862 केल्विन आ रहा है। हाँ ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा बढ़ा दिया तो आंसर मेरा थोड़ा ज्यादा आ गया। एक्चुअल आंसर 5000 से कम होगा, तो मेरे करने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, 5000 से कम जो ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर मेरी नजर। कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। कोर का टेम्परेचर तो कितना होता है बच्चों, 5 सर के कोर, मतलब सन के कोर का टेम्परेचर कितना होता हो, 5 मिलियन। बिलियन, 1 बिलियन केल्विन के ऑर्डर का होगा, 10^9 केल्विन है। बिलियन केल्विन, बिलियन केल्विन के ऑर्डर का होता है, बिलियन केल्विन। समझ रहे हैं? तो 1000 मिलियन मतलब 1 बिलियन होता है। मतलब उतना टेम्परेचर पता है, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर फ्यूजन रिएक्शन टू टेक प्लेस, वरना फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाता। फ्यूजन रिएक्शन हो रही है तो इतना टेम्परेचर इज। अच्छा ये बात समझ में आई, कर सकते हैं तुम तो? सर हाँ बोलिए। सर कोई सरफेस मतलब कितनी वेवलेंथ अब्सॉर्ब कर रहा है उसके ऊपर वी की वैल्यू को डिपेंड कर रही है, अब्सॉर्ब करने पे को डिपेंड कर रही है। मतलब बी पे बी की वेवलेंथ ना, कि मतलब कि ब्लैक बॉडी के लिए वो बी की वैल्यू डिफाइन है, तो मतलब वो तो ब्लैक बॉडी आपने ऐसा बोला कि सारी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब उसके अब्सॉर्ब करने से क्यों मतलब बी की वैल्यू डिफाइन हो रही है, एमिट करने के लिए होना चाहिए। बेसिकली बेटे अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो होते हैं ना, दे हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। अ मटेरियल विच इज अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो ए गुड एमिटर। ये किरचॉफ्स लॉ होता है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। देखो कैसे, हम उसी पे आ रहे हैं अभी। ये बात सबने नोट किया बच्चों? सर बी को फिजिकल सिग्निफिकेंस, बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या है सर? जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए,
एक का बी अगर ज्यादा, इसका मतलब क्या है? सेम टेम्परेचर पर वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ एमिट कर रहा होगा, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का बी ज्यादा, बी वन इज ग्रेटर देन बी टू, इसका मतलब क्या है? इफ वी कीप बोथ ऑफ देम एट सेम टेम्परेचर तो लैम्डा एम फॉर वन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा एम फॉर टू। मतलब जिसका बी ज्यादा है वो सेम टेम्परेचर पर दूसरे वाले से उसकी पीक जो है वो ज्यादा वेवलेंथ पे आएगी, हायर वेवलेंथ की तरफ वो ज्यादा एमिट ज्यादा करता है। एट सेम टेम्परेचर इट एमिट्स हायर वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू द बॉडी विच हैज लेसर वैल्यू ऑफ बी, ऐसा बोल सकते। So before we move on to क्या किर्चॉफ लॉ, हम कुछ एक टर्म्स डिफाइन करेंगे। एक तो एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या होता है? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एमिसिव। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाई अ बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स एमिसिव पावर, है ना। फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं क्या एब्जॉर्प्टिविटी। ये तीन कोफिशिएंट हम डिफाइन करेंगे, यस बेसिकली एमिशन इंटेंसिटी, है ना। एमिसिव पावर इज बेसिकली नथिंग बट एमिसिव इंटेंसिटी, एमिसिव इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, एंड ट्रांसमिटिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी कितना होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी incident per unit time
पर यूनिट। रिफ्लेक्टिविटी एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। Divided by energy incident per unit time per unit और transmittivity का मतलब क्या होगा? Energy transmitted per unit time per unit area divided by energy incident per unit time per unit है ना। और absorptivity plus transmittivity plus reflectivity this will be equal to 1 radiations incident हुए किसी surface पर उसमें से क्या होगा? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी? What will be absorptivity for black body? One. It will be, है ना? देखो कई जगह पर आपको a lambda, r lambda, t lambda type की चीजें भी देखने को मिलेंगी। a lambda basically क्या है? उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिविटी, आर लैम्डा वेवलेंथ स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिविटी, टी लैम्डा वेवलेंथ स्पेसिफिक ट्रांसमिटिविटी। एक्चुअल में तो हमें यही बात करना चाहिए। मैंने जो डेफिनेशंस दी है वो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन थी, मतलब ओवरऑल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से एनर्जी एब्जॉर्ब का रेशो, एनर्जी रिफ्लेक्टेड का रेशो, एनर्जी ट्रांसमिटेड का रेशो। वैसे तो क्या है, जैसे मान लो कोई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आउट ऑफ व्हाइट लाइट बाकी लाइट्स के लिए उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा है, ब्लू की एब्जॉर्प्टिविटी कम है, ब्लू को रिफ्लेक्ट कर देता है तो ब्लू के लिए रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा है ना। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके लिए विजिबल लाइट की ट्रांसमिटिविटी ज्यादा होती है ना, वो लाइट को क्या कर देते हैं, विजिबल लाइट को ट्रांसमिट ही कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आती है बच्चा? तो अलग अलग मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग भी हो सकती है। ब्लैक बॉडी ऐसा होता है जिसके लिए a lambda is equal to 1 for all lambda। वैसे ब्लैक बॉडी क्या होता है, एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है ना, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन? देखो डायरेक्शन से डिपेंड करता है ना, जैसे इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में आ रही
जैसे दीवार है तो तुम्हारे कमरे से तुम्हारे सामने जो दीवार है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ना एनर्जी को, उस एनर्जी को वापस भेज दे रही है तुम्हारी तरफ। ये पीछे लाइट का सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से एनर्जी गई वापस अपने पास आ गई, तो दैट इज रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जैसे विंडो पेन पेन लगा हुआ है तो ये उससे एनर्जी उस पे गई और वो बाहर भेज दिया उसने, तो दैट इज ट्रांसमिशन, है ना। लास्ट पेज देखना है, लास्ट पेज देखना है। एक मिनट रुकना बच्चों, ये नोट कर लो। ए फॉर ब्लैक बॉडी के बाद क्या लिखा है, ए फॉर ब्लैक बॉडी के बाद तो कुछ नहीं लिखा भाई। नीचे मैंने लिखा है कि क्या है, ये जो हमने एब्जॉर्प्टिविटी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी डिफाइन की है, ये हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वेवलेंथ स्पेसिफिक भी इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती है। वेवलेंथ स्पेसिफिक मतलब ब्लू लाइट के लिए क्या एब्जॉर्प्टिविटी है, ब्लू लाइट के लिए क्या रिफ्लेक्टिविटी है, ब्लू लाइट के लिए कितना या अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या रिफ्लेक्टिविटी है, अल्ट्रा वायलेट के लिए क्या एब्जॉर्प्टिविटी, ऐसा। अगले पेज पे चले बच्चों। अरे एक मिनट। ओके। डन सर। मतलब ब्लैक बॉडी अगर है तो उसके लिए ए तो वन ही होगा एग्जैक्टली, है ना। हाँ, अब ब्लैक बॉडी होता है क्या रियल लाइफ में, वो एक अलग बात है, नहीं होता, ठीक है। इन रियल लाइफ देयर इज नो सच थिंग एज
परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अच्छा अब मैं समझा, ब्लैक बॉडी मतलब आप उसके बारे में बात कर रहे हो विच अपीयर्स ब्लैक, विच अपीयर्स ब्लैक। नहीं नहीं देखो, जो बॉडी ब्लैक अपीयर हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो जो विजिबल विजिबल वेवलेंथ है ना, विजिबल वेवलेंथ को वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बट सिर्फ विजिबल के आधार पर हम उसको ब्लैक बॉडी, जो फिजिक्स में ब्लैक बॉडी अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, वो तो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए, सिर्फ हाँ मतलब ब्लैक बॉडी यू कैन आर्टिफिशियली प्रिपेयर ब्लैक बॉडी। जैसे एक ब्लैक बॉडी होता है जिसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी कैसा होता है कि आपने एक हॉलो स्फेयर बनाया और उसके अंदर एक उसकी सरफेस में एक थोड़ी सी कैविटी बना दी और यहां पर आपने क्या किया, एक ऐसा कोनिकल रिफ्लेक्टर जैसा बना, ठीक है। अब जो भी रेडिएशंस इसको एंटर करेंगे यहां से वो क्या होगा, इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ जाएगा, इधर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाना है, तो क्या होगा, वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि भाई जो भी रेडिएशन इस पे गिर रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहा है, मतलब उनको ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो दिस इज इसका बिहेवियर कैसा है, इट इज क्लोज टू अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आई बात, इसको बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। भाई आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आर्टिफिशियली कुछ तो तैयार करना पड़ेगा ना, मॉडलिंग करनी पड़ेगी ना उसकी, इट जो डेफिनेशन आप दे रहे हो वैसा वो बिहेव तो करे। सर वो ए लैम्डा आर लैम्डा टी लैम्डा वो क्या, वो मैंने बताया ना बेटे, वो वेवलेंथ स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स हैं। जैसे मान लो कि आप क्या है, लाइट होल से वापस भी जा सकती है, मतलब बहुत कम चांसेस है ना उसके वापस जाने के, चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो क्लोज टू ब्लैक बॉडी उसका बिहेवियर। ब्लैक बॉडी कैसी दिखेगी, ब्लैक ही दिखेगी बेटा। ब्लैक बॉडी कैसी दिखेगी, ब्लैक ब्लैक मतलब क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहे हैं उसके। ब्लैक होल इज अ ब्लैक बॉडी, हाँ ब्लैक होल को आप ब्लैक बॉडी बोल सकते हो। They are like almost बिल्कुल ब्लैक होल भी क्या है, ब्लैक बॉडी ही है, उस पर भी गिरने वाले रेडिएशन को वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले।
will you teach that chapter of Esfera which has theory of relativity? Yes, if we have time, open for lenge. नहीं, नॉट इन सिलेबस. अच्छा, क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, किरचॉफ्स लॉस. किरचॉफ्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये क्या बोलता है? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. Good absorbers are good emitters. Good absorbers are good emitters. एक कोफिशियंट और डिफाइन करना रह गया हमारा, जिसको बोलते हैं एमिसिविटी. एमिसिविटी क्या होता है? Emissive power of a body divided by emissive power of a black body. Emissive power of a body divided by emissive power of a ब्लैक बॉडी. ठीक है, इसको आप ध्यान रखें. वी कम बैक टू किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. ऐसा क्यों साहब? व्हाई गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स? मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने कुछ सरफेसेस कंसिडर करी, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A1 है, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट A2 है, और ये सरफेस तो ब्लैक बॉडी ही है, सबका एरिया अपन ने सेम रख लिया, सबको सेम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया, और क्या है, सरफेस 1 का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, ब्लैक बॉडी का तो 1 ही है, तो क्या होगा? एट सेम टेम्परेचर सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट कौन कर रहा होगा? विच बॉडी विल बी एमिटिंग मैक्सिमम रेडिएशंस? ब्लैक बॉडी विल बी एमिटिंग मैक्सिमम रेडिएशंस. उसके बाद नंबर आएगा किसका? इसका. और सबसे लीस्ट ये कर रहा. बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स क्यों है. इसका एक ही लॉजिक है, टू मेंटेन टेम्परेचर. देखो क्यों, आप समझिए. मान लेते हैं हम कि एक सराउंडिंग्स है जिसका टेम्परेचर है TS,
और उस सराउंडिंग में मैंने क्या रख दिया है, एक नॉर्मल बॉडी मैंने, और सेम टाइप के सराउंडिंग्स में मैंने क्या कर दिया है, एक ब्लैक बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर भी सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के बराबर ही ले लिया, है ना। अब देखो क्या होगा, अगर ये सराउंडिंग दोनों के लिए एक जैसा है तो ये सराउंडिंग जो रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा बॉडी के केस में, वही ब्लैक बॉडी वाला सराउंडिंग्स भी उतनी रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा। बोलिए बच्चा। सभी के टेम्परेचर सेम माने हैं अभी अपन, क्या हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी इज सेम एज एनर्जी इंसिडेंट ऑन ब्लैक बॉडी? एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी इज सेम एज एनर्जी इंसिडेंट ऑन ब्लैक बॉडी। अब बॉडी तो क्या कर रहा होगा, उस पे जितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है दैट मल्टीप्लाइड बाय ए, उतना एब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, क्या मैं ए टाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकते हैं बेटे। अच्छा, क्या बॉडी और ब्लैक बॉडी दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? इसका मतलब क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी? And energy absorbed by black body is also equal to energy emitted by black body. क्योंकि black body का भी temperature constant है और normal body का भी temperature constant. और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को वन और टू लिख करके इनको डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी ये किसके बराबर है, एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। और एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बॉडी डिवाइडेड बाई एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ब्लैक बॉडी, क्या ये रेशो ए के बराबर है बेटा? और ये जो रेशो है एनर्जी एमिटेड बाई बॉडी डिवाइडेड बाई एनर्जी एमिटेड बाई ब्लैक बॉडी, क्या ये ई के बराबर है? इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी। इसका मतलब क्या है, इफ ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ई वन विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन ई टू?
A body which absorbs better than other body must also emit a bit better than that other body. Therefore, we say that good absorbers are good emitters. Good absorbers are good emitters. A वन से छोटा होगा ना? Yes. A तो यार वन से छोटा हो गया, हमें वन या वन से छोटा ब्लैक बॉडी के लिए वन हो जाएगा, तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी भी वन हो जाएगी. नॉर्मल अगर कोई बॉडी है तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिविटी वन से छोटा होगा, एमिसिविटी भी वन से छोटा. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. वन विच कैन अब्सॉर्ब बेटर विल ऑल्सो एमिट बेटर. एंड ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी सबसे ज्यादा होती, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज जीरो. नहीं यार, ऐसा किसने कहा? एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी विल बी मैक्सिमम बेटे. एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी विल बी मैक्सिमम. वन जीरो क्यों होगी? हाँ बेटे, ये जो बोल रहा था सर, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी विल बी जीरो. तो उसको समझ में आ गया, ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करता है. हाँ बेटे, यार तुम रिफ्लेक्शन और एमिशन में कंफ्यूज हो रहे हो फिर से, मैंने समझ को लग रहा है. ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करता, एमिट तो खूब करता है भाई. ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करता, एमिट तो बहुत करता है, सबसे ज्यादा करता है. एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, एमिशन कम नहीं होगा. एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो एमिशन भी बढ़ेगा. हाँ बेटे, देखो इस वाले पेज में मैंने क्या बताया था, किरचॉफ्स लॉ क्या है? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. इसका मतलब क्या है? अगर दो बॉडीज हैं, बॉडी वन बॉडी टू, बॉडी वन क्या करता है, बॉडी टू के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंटेज रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है ना. मान लो दोनों पर एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी गिरी, बॉडी वन ने क्या किया, 80 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी टू ने सिर्फ 50 जूल एब्जॉर्ब किया. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर बॉडी वन और बॉडी टू का टेम्परेचर आप सेम रखते हो तो क्या होगा, बॉडी वन बॉडी टू के अपेक्षा एनर्जी एमिट भी ज्यादा करेगा, एनर्जी एमिट भी ज्यादा करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा. ये नहीं बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्ट कैसे ज्यादा कर सकता है, एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी में से एक ही चीज ज्यादा हो सकती है ना. रिफ्लेक्टिविटी और एमिसिविटी में से, रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी में से एक ही चीज ज्यादा हो सकती है. एब्जॉर्ब ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन कम है, वो तो है ही, दैट इज देयर. यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो एमिशन भी ज्यादा है, एमिशन जो कि खुद के टेम्परेचर की वजह से बॉडी रेडिएशन बाहर भेज रहा है उसको क्या बोलते हैं, एमिशन. गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स. कौन सा फर्स्ट वाला डायग्राम की बात कर रहे हो आप? फर्स्ट वाला डायग्राम कौन सा?
कौन से फर्स्ट है? उनके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट था, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिसका ज्यादा होगा वो एमिट भी ज्यादा करेगा। ये वाला डायग्राम, अरे यार ये क्या डायग्राम है, इसमें हमने बताया यार ये कोई बॉडी वन है, ये बॉडी टू है, ये बॉडी थ्री, तीनों का एरिया ए ए ए, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी ए वन है, इसकी ए टू है, और ये तो ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब इसकी एब्जॉर्प्टिविटी तो वन, हमने कहा ए वन ए टू से बड़ा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स कहने का मतलब क्या है कि जो रेडिएशंस ये एमिट कर रहे होंगे ना, तो वो सबसे ज्यादा रेडिएशन पता है कौन एमिट कर रहा होगा, ये ब्लैक बॉडी, ये सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, उससे कम कौन कर रहा होगा, ये वाला, और सबसे कम कर रहा होगा ये, इसलिए यहाँ पर लीस्ट एमिशन लिखा। समझ में आई बात, ये लीस्ट एमिशन कर रहा, भाई आप ऐसे सोचो ना कि मान लो कोई बॉडी है वो सराउंडिंग में रखा हुआ है, उसका कुछ पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। अब हमने कहा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, वो अपने टेम्परेचर की वजह से कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, बाहर से गिलने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर मान लो वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एमिट भी तो ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भाई। और जो एब्जॉर्ब कम कर रहा है, कम ही एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या है, एमिट भी कम करना पड़ेगा है ना, एमिट भी कम करना पड़ेगा, ये बात। सर बिना फॉर्मूला के कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा एमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी ज्यादा एमिट करता, ब्लैक बॉडी जो है वो ज्यादा रेडिएशंस एमिट करता, क्योंकि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि एमिट भी ज्यादा करे। यस, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा एमिट करता है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, अदरवाइज हाउ विल दे मेंटेन देयर टेम्परेचर। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान दो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो इक्विलिब्रियम में है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, है ना। Even if when they are not in equilibrium, then also I can say that good absorbers are good emitters. ये absorber और absorb अच्छा होना और emitter अच्छा होना, ये तो उस body के material की property होती है, है ना? ये external factor पे depend नहीं करता, ये तो उसके खुद के material की property को। Even whether they are in equilibrium or whether they are not in equilibrium, this condition always holds. कोई कंडीशन नहीं है, ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी, एब्जॉर्प्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू एमिसिविटी, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम अब आते हैं किस पर, स्टीफन्स लॉ, हम आते हैं किस पे बच्चों, स्टीफन्स लॉ, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, नहीं नॉट स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग नहीं, दूसरे साइंटिस्ट, ये कहते हैं कि
पावर एमिटेड बाय अ बॉडी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, पहले ब्लैक बॉडी की बात कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा कितना, सिग्मा इंटू ए इंटू टेम्परेचर की पावर, पी क्या है, पावर एमिटेड पर यूनिट टाइम। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ए इज सरफेस एरिया, कैपिटल टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर, ये सिग्मा की यूनिट। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? है ना, अब देखो क्या है, पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी, अगर आपको एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय अ नॉर्मल बॉडी लिखना, तो क्या जो ब्लैक बॉडी का पावर है उसको ई से मल्टीप्लाई कर दें तो काम चल जाएगा? क्योंकि पावर एमिटेड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ये ई ही होता है, तो पावर एमिटेड बाय बॉडी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। अब देखिए, मान लो कोई बॉडी है किसी सराउंडिंग्स में रखी गई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस,
बॉडी का टेम्परेचर भी है टीएस। तो इसका मतलब देखो, पावर एमिटेड बाय बॉडी ये किसके बराबर होना चाहिए? ई सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट पेज देखो, देखिए क्या पावर एमिटेड बाय बॉडी को इतना लिख सकते हैं? पावर एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी कितना होगा? पावर एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी कितना होगा बेटा? सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हमने सेम माना हुआ है, इसलिए पावर एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी विल आल्सो बी ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स की पावर 4। व्हाई? बिकॉज दे हैव अज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। नाउ व्हाट आई डू इज I consider the same body placed in same surroundings of same temperature, but now the temperature of body is different. Let's say it is capital T. देखो जो स्टीफन्स, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है, सर ये फॉर्मूले में जो कैपिटल टी है वो किसका टेम्परेचर है? टेम्परेचर ऑफ सरफेस, जो एमिट एमिशन कर रही है उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहां पर सर आपने सराउंडिंग का टेम्परेचर क्यों यूज किया? भाई मैंने तो बॉडी का ही टेम्परेचर यूज किया है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है, तो क्या कर, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये पावर एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी का फॉर्मूला स्टीफन्स ने दिया था क्या बच्चों, या स्टीफन ने पावर एमिटेड का फॉर्मूला दिया था? स्टीफन्स का फॉर्मूला क्या था, पावर एमिशन के लिए था या पावर एब्सॉर्प्शन? एमिटेड पावर के लिए था। स्टीफन्स का फॉर्मूला एमिटेड पावर के लिए था। तो ये तो हमने कहां से लिखा, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स। और ये वाला किधर से लेके आए अपन? बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए ये दोनों रेट बराबर होनी चाहिए, ऐसा प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ने बताया था, तो इसलिए हमने लिख दिया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अब मान लो हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अलग कर देते हैं, सराउंडिंग का टीएस है, बॉडी का टेम्परेचर टी कर देते हैं, तो पावर एमिटेड बाय बॉडी कितना हो जाएगा?
क्या ये स्टीफन्स लॉ से लिख सकते हैं? बोलो बच्चे, क्या ये ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 ऐसा आ जाए? पावर एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी कैसे लिखेंगे? एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने इस सराउंडिंग्स में कुछ चेंज किया क्या? जैसा सराउंडिंग पहले था क्या वैसा ही सराउंडिंग अभी भी है? उतना ही एरिया, उतना ही टेम्परेचर है या नहीं? इसका मतलब जितनी रेडिएशन सराउंडिंग पहले एमिट कर रहा था क्या अभी भी सराउंडिंग उतनी ही रेडिएशंस एमिट कर रहा? अब बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है वो उसके मटेरियल के अनुसार कुछ फिक्स परसेंटेज एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर पहले मान लो 30% एब्जॉर्ब कर रहा था तो अभी भी 30% एब्जॉर्ब कर रहा होगा। पहले वाला इंसिडेंट और अभी वाला इंसिडेंट सेम है, उसका फ्रैक्शन जितना पहले एब्जॉर्ब कर रहा था उतना अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा था। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना पहले एब्जॉर्ब कर रहा था उतना अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा? एब्जॉर्प्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और मटेरियल ऑफ द बॉडी पे, उसके एरिया पे, एंड दैट हैज नॉट चेंज। तो हम पता है पावर एब्जॉर्ब बाय बॉडी को अभी भी क्या लिख सकते हैं? ई सिग्मा ए इनटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ए क्या है? एरिया ऑफ बॉडी। और टीएस क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स क्यों आएगा, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखो क्या है भाई, मैंने ये लॉजिक लगाया कि पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इस वाले केस में और इस वाले केस में सेम रहना चाहिए। आपने बॉडी का टेम्परेचर बदल दिया, उससे पावर एब्जॉर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर एब्जॉर्ब तो किस पे डिपेंड करेगा? पावर एब्जॉर्ब किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग से कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका कितना परसेंटेज बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, इस पर डिपेंड करेगा पावर एब्जॉर्ब। उसका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से कोई लेना देना नहीं। पावर एब्जॉर्ब तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग कितना पावर एमिट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और बॉडी के एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। पहले वाले केस में जितना बॉडी का एरिया था उतना अभी भी है, पहले वाले केस में जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर था उतना अभी भी है, पहले वाले केस में जैसा बॉडी का मटेरियल था उतना अभी भी है। तो पहले वाले केस में जो पावर एब्जॉर्ब आ रहा था क्या अभी भी उतना ही पावर एब्जॉर्ब आएगा? बॉडी का टेम्परेचर बदलने से ना सिर्फ बॉडी की एमिशन पावर पे डिपेंड करेगा, जो पावर वो एमिट कर रहा है, जो पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो सराउंडिंग्स और बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना। That does not depend on the temperature of the body. Power absorbed by body depends on surrounding temperature area of body and material of body. It is independent of temperature of body.
ये बॉडी के टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसके बेसिस पर हम बच्चों जैसे इस वाले सिनेरियो में नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय अ बॉडी कैसे लिखेंगे? पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब। पावर एमिटेड को कैसे लिखेंगे? ई सिग्मा ए टेम्परेचर की पावर 4 माइनस पावर एब्जॉर्ब को कैसे लिखेंगे? ई सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। तो ये आ जाएगा ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, है ना? अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर है तो क्या होगा? कोई नेट एनर्जी का लॉस बॉडी से नहीं होगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो लॉस हो रहा होगा, लॉस विल बी पॉजिटिव, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से पहले से ही कम है, इसका मतलब नेट लॉस विल बी नेगेटिव, इसका मतलब नेट हीट विल बी गेन्ड बाय द बॉडी। समझ में आ रही बात? अरे एक बच्चा बोल रहा है नहीं समझ में आया। अरे क्या नहीं समझ में आया भाई हर्षल? समझा? तो ये नेट रेट ऑफ हीट लॉस है, मतलब दिस इज माइनस डी क्यू बाई डीट। हीट लॉस थ्रू रेडिएशन का ये फॉर्मूला आएगा, हीट लॉस थ्रू रेडिएशन। रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू रेडिएशन rate of heat loss through radiations. Clear है बच्चों? अब देखो इस rate of heat loss को अगर हम approximation लगाएं, क्या approximation लगाएं के एक body और surroundings के बीच का जो temperature में difference है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के कंपैरिजन में बहुत कम है, है ना? तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं? हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि इफ temperature of body minus temperature of surroundings is very small in comparison to the temperature of surroundings,
तो बात क्या है, हम टी माइनस टी एस को थोड़ी देर के लिए डेल्टा टी मान लेते हैं। तो इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, तो हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, टेम्परेचर ऑफ बॉडी को लिख पाएंगे टी एस प्लस डेल्टा टी। तो जो रेट ऑफ हीट लॉस है माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको एम एस इंटू टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 ऐसा लिख सकते, है ना, ई सिग्मा ए, ई सिग्मा ए। अब यहां से क्या है, आप ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 माइनस 1 ऐसा आएगा, और इसको आप क्या करो, बाइनोमियली एक्सपैंड करके 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी एस माइनस 1 ऐसा कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये जो डी क्यू लिखा हुआ है इसको एम एस डी टी लिख दो, तो एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4 इंटू 4 डेल्टा टी बाई टी एस। तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस डी टी बाई डी टी, माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये किसके बराबर आ गया, ई सिग्मा ए, इनफैक्ट 4 ई सिग्मा ए टी एस का क्यूब डिवाइडेड बाई एम एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंड। माइनस डी टी बाई डी टी को बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ कूलिंग। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा कि रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी टी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सन। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये याद रखना है बच्चों, माइनस डी टी बाई डी टी is equal to k into t minus ts. There what is k? K is 4 e sigma a into ts ka cube upon ms. Ye constant of proportionality hota. Rate of drop of temperature is directly proportional to temperature difference between object and surround. रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, के का वैल्यू याद रखना। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था क्या तुमको मैथ्स? डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये बात है बच्चों, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं इस डिस्कशन को।
सर सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 एक्सपेरिमेंटली आया, रेट ऑफ हीट लॉस एमएसए को नहीं, नहीं एक्सपेरिमेंटली नहीं आया, उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है, लेकिन उसके प्रूफ में क्या है, थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब आप लोग बाद में अगर पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मस्त रहो, इतना ही याद रखो, ये पर्याप्त। ऑफलाइन फिर से होगा यार, लोगों की थोड़ी तबीयत तो सही हो जाने दो यार तुम। ले रहे हैं, लेकिन आज तो देखो क्या हुआ, वो जो 9 जनवरी को फिजिक्स मतलब का ओलंपिया मैथ्स ओलंपियाड था ना, IOQM एंड IOQP वो सब पोस्टपोन कर दिए हैं और अभी डेट भी नहीं दिया है। द इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स एंड इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस, दोनों एग्जामिनेशन जो कि 9 जनवरी को होने वाले थे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। New dates of these two examinations will be announced later. Indian Olympiad qualifier in physics and Indian Olympiad qualifier in biology scheduled to be held on January 16, 2022 are postponed. New dates of these two examinations will be announced later. Yes, this is experimental. Mass of object floating equal to mass of displaced. ये experimental भी है और इसका प्रूफ भी है, बहुत अच्छा बहुत लॉजिकल सा प्रूफ है इसका। अपन बस इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स ही लेंगे, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के बाद फ्लूइड भी पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे आपको। आर्किमिडीज के बारे में तुमने सुना होगा ना, आर्किमिडीज ने ये डिस्कवर किया था। वेव्स भी पढ़ाएंगे बच्चों, है ना। तो अपना अब सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स क्या है, ये होगा, इसके बाद हम लेंगे केटीजी एंड थर्मो, ठीक है, फिर उसके बाद हम लेंगे फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, और फिर उसके बाद अपन लेंगे क्या, वेव्स। और फिर लास्ट में हम लेंगे क्या, आरबीडी। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ लेंगे, है ना। मैकेनिक्स में क्या जनरल, रेडिएशन का होमवर्क, हाँ आप लोग
हीट ट्रांसफर का जो शीट है या फिर आप एच सी वर्मा का जो ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू है ना वो करिए, ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू ऑफ एच सी वर्मा। हाँ बेटा हीट ट्रांसफर वाला जो चैप्टर है ना, हीट ट्रांसफर जो चैप्टर है उसका। Sheet is also good. Sheet भी अच्छा है, sheet से। Okay बच्चों, I'm stopping the meeting now.